दूसरी तरफ भारत ने चीन को एक बार फिर से साफ साफ कह दिया है कि पूर्वी लद्दाख में शांति की बहाली के लिए डिसएंगेजमेंट यानी कि सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। जी हाँ, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में एससीओ की बैठक से पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात भी हुई थी और यह समझा जा रहा है कि इस बैठक में चीन और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने इशारों ही इशारों में पाकिस्तान को लेकर चीन को नसीहत देते हुए कहा कि उसे भारत के साथ अपने संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर श्रीजॉय चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत ने चीन को एक बार फिर से कड़ा संदेश दिया है, श्रीजॉय जो कहना था दो टूक फिर से भारत ने कह दिया। देखिए, डिसएंगेजमेंट तो करना ही है, बहुत दिन से नहीं हो रहा है। अभी भी हॉट स्प्रिंग्स एरिया में चीनी सैनिक अभी भी बैठे हैं, तो वही बाकी है। और आपका डेपसैंग का भी मामला अभी है, तो इसलिए जयशंकर साहब ने साफ साफ कह दिया, देखिए ये तो करना ही है। डिसएंगेजमेंट के बाद डीएस्केलेशन, उधर एलएसी के पास 50,000 चीनी सेना खड़े हैं, बैठे हैं वहां टैंक लेके, तोप लेके, इसीलिए ये डीएस्केलेशन भी करना है। ये दो चीज बहुत ही जरूरत है। वो छोड़ के भी और कई बात आ गया, अफगानिस्तान का मामला के बारे बात हुई है, और इम्पोर्टेंट जो है ये अफगानिस्तान, ये टेररिस्ट का, ये आतंकवादी का गढ़ ना होना चाहिए। ये चीनी जैसे बातचीत जो हुई है भारत और चीन के प्रतिनिधियों के बीच में, दो टूक भारत ने कह दिया है, क्या एससीओ की बैठक में भारत की जरूरत है कि दो टूक अब भारत कह दे कि एक तो आतंकवाद का गढ़ ना बने और पाकिस्तान को लेकर भी क्लियर नाम लेते हुए आप भारत को कह देना चाहिए कि सपोर्ट करना बंद करें तालिबान को? देखिए, भारत ये कहेगा क्या नहीं अब देखने पड़ेगा। आतंकवाद के बारे तो जरूर बात होगा, इसके बारे कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के बारे डायरेक्टली, ये पाकिस्तान को ये डायरेक्ट मोदी जी कहेंगे क्या नहीं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अब इमरान खान भी रहेंगे वहाँ, इमरान खान क्या कहेंगे वो भी देखने पड़ेगा। तो ये सब अभी देखना है क्या होगा वीजा भी अफगानिस्तान, क्योंकि ठीक है आतंकवाद के बारे बोलेंगे, अफगानिस्तान के बारे बोलेंगे, पाकिस्तान के बारे बात आएगा, लेकिन एग्जैक्टली इतने कड़ा, क्योंकि ये तो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए क्या कहेंगे एग्जैक्टली, कितना कड़े तरीका से कहेंगे। जी श्रीजॉय, यानी कि ये अब जो एक तो दो टूक यहाँ पर संदेश तो दिया, लेकिन अब आने वाले वक्त में किस तरह से इस बैठक का प्रभाव भी नजर आएगा ये देखने वाली बात है।